सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक अल्टीमेट थीम। ये वाली थीम बहुत ही कमाल की है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आ रही है इस वाली थीम के ऊपर। तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं थीम को आपको कैसे डाउनलोड करना है एंड इस थीम को कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो में इसका नेम मेंशन नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा वीडियो में कैसे डाउनलोड करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात कर लेते हैं इस थीम के सबसे पहले कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, टॉप में आपको डिफरेंट टाइप का वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू डिजाइन आपको देखने को मिलती है एंड कंप्लीट ये वाली थीम MIUI 12, 13, 14 तीनों में सपोर्ट करेगी एंड कंट्रोल सेंटर आपके सामने कंप्लीट चेंज हो जाता है एंड ये वाली थीम आपको डार्क मोड में इनेबल करनी है। नोटिफिकेशन सेंटर की बात करें, आपके सामने कंप्लीट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप टॉप में जो नेटवर्क वायर देखोगे वो भी कंप्लीट आपके सामने चेंज हो जाएगा एंड फॉन्ट भी आपके सामने चेंज हो जाएगी। एंड बात कर लेते हैं सेटिंग वाई के बारे में। तो सेटिंग वाई को आप जैसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाएगा। ये वाला वॉलपेपर बेसिकली मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया एंड यहाँ पे आप फॉन्ट देखोगे तो कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता, बट आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्ले साइज को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया जाता है। साथ ही अगर आप अबाउट फोन को ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा एंड बैक बटन आपको कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बट वॉल्यूम बार की बात करें तो आपके सामने कंप्लीट UI चेंज हो जाती है एंड आइकन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने न्यू आइकन पैक देखने को मिलता है एंड ये वाला वॉलपेपर मैंने ऐड कर रखा है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू आपको क्लॉक विजिट देखने को मिल जाती है एंड आइकन्स आपको यहाँ पे फुल चेंज देखने को मिल जाता है एंड कंप्लीट आइकन्स में ब्लू एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एंड बहुत ही कमाल के आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिलता है एंड कंप्लीट आइकन चेंज हो जाते हैं। साथ ही बात करते हैं डायलर UI के बारे में। तो डायलर UI को आप जैसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। कंप्लीट यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे जो वॉलपेपर देखने को मिलता है इसको भी चेंज करके दिया जाता है एंड यहाँ पे आपके सामने जो विजिट देखने को मिलती है इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है एंड टॉप में आपको जो वॉलपेपर देखने को मिलता है वो भी एकदम अल्टीमेट देखने को मिल जाता है। कंप्लीट एनिमी वाला आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है एंड बात करते हैं लास्ट फीचर के बारे में, वो इसका लॉक स्क्रीन। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा आपको यहाँ पे वॉलपेपर ऐड करके दिया जाता है। तो अब बात करते हैं इस थीम को डाउनलोड कैसे करना है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नेम मेंशन नहीं करूंगा, बट मैं यार आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपल थीम स्टोर एपीके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा V23, आप यहां पे सर्च कर लेना। V23 आप सर्च करोगे आपके सामने तीन थीम्स ओपन होगी। यहां पे आपके सामने जो फर्स्ट वाली थीम देखने को मिलती है डार्क ब्लू V13 के नाम से, इसको आपको डाउनलोड करना है। 31 MB की आपको ये वाली थीम मिल जाती है एंड यहाँ पे आप क्रिएटर का नेम देख सकते हो। इस वाली थीम को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको डार्क मोड इनेबल करना है, उसके बाद आपको ये वाली थीम अप्लाई करनी है एंड ये वाली थीम आपको अप्लाई करने के बाद आपको रिस्टार्ट करना है। इस वाली थीम को आपको डाउनलोड करके सेव रखना है, क्योंकि यार ये कॉपीराइट की वजह से रिमूव हो सकती है। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थीम को आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है।